साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड, फ्लाइट में होने वाले नुकसान से रिलेटेड हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं साथियों, कोरोना की स्थिति इंडिया में बढ़ती जा रही है। लगभग 91,000 अभी तक संक्रमित हो चुके हैं, उनमें से लगभग 34,000 रिकवर कर लिए गए हैं और लगभग 3,000 के करीब डेथ हो चुकी हैं, लगभग 2900 के करीब डेथ हो चुकी हैं, जो कल तक ये आंकड़ा शायद 3,000 प्लस पार कर चुका होगा। 18 मई तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं आंकड़ों के हिसाब से कि भाई इंडिया ने चीन को पीछे पछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। यानी इतने टाइम तक इंडिया में लगभग 70,000 के करीब आंकड़ा था, इंडिया में 91,000 हो चुका है और कल तक हो सकता है लाख से प्लस चला जाए 24 घंटे के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कोरोना की स्थिति इंडिया में ख़राब है। अब हम बात करते हैं साथियों कि बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या हकीकत यही है कि इंडिया आना है, फ्लाइट मिल जाए तो घर पहुँच जाए। चाहे आप दुबई बैठे हैं, चाहे गल्फ के बैठे हैं, या फिर और यूएसए, यूके, कोई भी कंट्री में बैठे हैं, 5 लाख लोग वेटिंग में बैठे हैं कि हमें घर जाना है। और मुझे जहाँ तक लगता है आपको भी लगना चाहिए कि आप अपने रूम में बैठे हो, आपका रूम है 15x15 या 20x20 का, उसमें 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग कितने भी हो, आपको ये श्योर है 100% कि हम नेगेटिव हैं कोरोना से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, लेकिन आज मैं बात करने जाऊँगा कि लगभग 2-4 दिन के अंदर जितनी भी फ्लाइटें आई हैं, ख़ास तौर से दुबई से, कुवैत से, सऊदी से या फिर मलेशिया से, यहाँ से आप जैसे ही निकल के एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट तक आप ठीक थे क्योंकि आपकी स्क्रीनिंग होती है, जांच होती है, उसमें पता लग जाता है भाई इसको कोई तकलीफ़ नहीं है, फिर आपको एंट्री दी जाती है और आपको खुद को भी एहसास होता है कि आपको कोरोना नहीं है। लेकिन जैसे आप इंडिया पहुँचने के बाद आपकी जाँच होती है, आप क्वारंटाइन के लिए जाते हो, तो उसमें आपको रिपोर्ट जो आती है वो पॉजिटिव आती है। वो कैसे आती है आप थोड़े इस बात पर गौर करिए, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। 15 मई को दुबई से फ्लाइट निकलती है 168 यात्रियों को लेके, जो केरला जाती है मंगलुरु, बेंगलुरु के पास में मंगलुरु पड़ता है, वहाँ पे 20 आदमी पॉजिटिव पाए जाते हैं। प्लेन से उतरने के साथ उनको क्वारंटाइन करने से पहले उनकी मेडिकल जांच होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि एयरपोर्ट से लेके, यानी लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे सफ़र का रास्ता मान लो, 2 घंटे वहाँ रुके, फिर वहाँ, यानी 5-7 घंटे के दौरान 168 लोग यात्रियों में से 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाया जाना क्या छोटी बात है। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं, कुवैत से लगभग इतने यात्री थे, उनमें 7 लोगों का पॉजिटिव पाया जाना, ये 16 मई की न्यूज़ है। 16 मई को यानी आज से एक दिन पहले, 2 दिन पहले मलेशिया से और कुवैत से फ्लाइट आई थी, उनमें टोटल आदमी 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि एयरपोर्ट पे उनको कोई दिक्कत नहीं, और उनको खुद को भी पता था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने रूम पे थे, कहीं पर भी थे। लेकिन उसके बाद में हम बात करें तो आपको पता होगा बॉम्बे जो एयर एशिया फ्लाइट के 5 मेंबर हैं, जो पायलट सहित 5 मेंबर कोरोना संक्रमित पाए गए थे आज से 15 दिन पहले, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ये बीमारी क्यों लगती है, आप थोड़ा समझने की बात है। यानी बात करें कुवैत, दुबई, मलेशिया, इन कंट्रियों से पॉजिटिव पाए गए हैं सिर्फ प्लेन में बैठने की वजह से। तो मेरे भाई, मैं तो बार बार आपको रोकूंगा नहीं कि आपको आना नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि ये स्थिति चल रही है फ्लाइट में कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ नहीं है। जैसे गाड़ियों में बैठते हैं वैसे प्लेनों में बैठा जाता है, 3-3 की सीट होती है एकदम अड़ के, समझ गए। फिर अंदर जाना निकलना, सामान के साथ सामान के हाथ लगाना, कोई किसके, अब आपको पता है प्लेन के अंदर जो खाँचा बना होता है, जो उसके अंदर सामान रखते हैं, तो 3 आदमी उसमें रखेंगे, 3 उधर रखेंगे, फिर कोई न कोई किसी न किसी के हाथ लगा देता है, तो इस वजह से ये बीमारी फैल रही है। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप अंदर प्लेन में बैठे हैं तो बिल्कुल हैंड फ्री होना चाहिए, आपके पास कोई सामान नहीं होना चाहिए, जो भी है वो लगेज में डालें या कम से कम सामान लें। यार क्या जरूरत है आपको अक्सर सामान रखने की, सिर्फ इतनी सेफ्टी रखो कि हम बच सकें, दूसरे के टच नहीं होना, अपना सामान किसी को हाथ में छूने नहीं देना, या मास्क वगैरह वो तो ठीक है आप अपने स्तर पे करते हो, लेकिन फिर भी ये लोग पॉजिटिव पाए गए हैं 3 दिन में, कम से कम ये देख लीजिए 20-25-30 आदमी पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ये नंबर आपका भी हो सकता है। कहीं जल्दबाजी घर आने के चक्कर में ये नहीं पड़े कि आपको 1-1.5 महीने 2 महीने तक अंदर ही रुकना पड़े, यार कोरोना है भाई, ये थोड़ा सा सोच विचार करके वहाँ से निकलने से पहले, कदम निकालने से पहले सोच लीजिए। मेरा काम था अब तक ये जानकारी पहुँचाना, आगे आप खुद समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा ही समझदार होंगे, आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए। सच्चाई ये है कि एयरपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, अब आपको कैसे आना होगा या रुक के आना होगा वो आप देख लीजिए। बस जानकारी यही देनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज जरूर लाइक कर लें, जिससे जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।